हिमाचल प्रदेश के सोलन में निजी कंपनी में काम करने वाले युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का है। बताया जा रहा है लापता युवक नालागढ़ के चौकीवाला में एक दवा कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम कर रहा था। लापता युवक का बाइक और कपड़े और अन्य सामान पंजाब के रोपड़ में स्थित नहर के किनारे मिला और पंजाब पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मौके से बरामद हुआ। सुसाइड नोट में लापता युवक की ओर से लिखा गया कि किसी को भी तंग ना किया जाए और वह यह कदम खुद ही अपनी मर्जी से उठा रही है। और सुसाइड नोट में लापता युवक ने अपने परिवार वालों और बच्चों के लिए सॉरी लिखा हुआ है, साथ ही सॉरी टू ऑल भी लिखा है। इंक्वायरी अब चल रही है, इसमें रोपड़ पुलिस ने जो है एक मौजूदगी रबड़ डाली है, जिन्होंने आगे फर्दर इसको कंटिन्यू किया। पता लगा है कि उसकी मोटरसाइकिल जो है एक नहर किनारे मिला था, वहाँ भी उसका मोबाइल और पर्स भी मिला है। तो फर्दर इसमें जांच चल रही है और जितना सहयोग हमारी तरफ से मिला बन पा रहा है हम भी कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि युवक के लापता होने को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस ने एक तरफ एफआईआर दर्ज की है जहां पर युवक का बाइक और अन्य सामान रिकवर हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस से मामले में जाँच कर रही है। इसका हमें बहुत दुख है क्योंकि देखो नौजवान साथी है और अच्छा लड़का था, अच्छा काम करता, मिलनसार था काफी। और जैसे पता चला भी कि रोपड़ के पास जो नहर है जो पता लगा वहां पे, तो हमारी पूरी कंपनी उसके लिए सारे हमारे साथी ऑलरेडी रोपड़ भी गए हुए हैं। हम भी थाने में बाबूराम शर्मा जी से मिले थे। तो इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कंपनी के एचआर मैनेजर अनिल शर्मा ने कहा कि संजीव कुमार के लापता होने का दुख पूरी कंपनी को है और पूरी कंपनी के लोग संजीव को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने परिवार की ओर से कंपनी पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा संजीव कुमार के साथ कंपनी में कोई भी किसी भी तरह की परेशान करने वाली बात नहीं हुई है और कंपनी लगातार संजीव को ढूंढने की कोशिश कर रही है।